और खबरडोई वाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास हुई सड़क दुर्घटना। डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा के पास देहरादून की ओर से आ रही कार ओवरटेकिंग करते समय अन्य कार से टकराकर अनियंत्रित होकर एनएच के पोल से टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पोल से टकराकर रोड पर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार चालक सिपाही नशे की हालत में था और हादसा सुबह 11 बजे के वक्त हुआ। सूचना मिलते ही डोईवाला पुलिस पहुंची। मौके पर क्रेन की सहायता से गाड़ियों को रोड से हटाकर ट्रैफिक खोला गया। चोटिल लोगों को 108 की सहायता से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। मैं देहरादून से हरिद्वार जा रहा था किसी काम के सिलसिले में, और ये जो गाड़ी है पुलिस वाला है, इसमें इसके साथ एक और बंदा था, वो भाग गया वहाँ से जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद निकल के। और ये पीएवे में था, वहाँ पर लोगों ने भी इनकी बाइट बनाई है, वीडियो बनाया था इनका। तो चल रहा था ये मेरे इधर से आ रहे थे, आ रहा था टोल की तरफ, और ये मेरे पीछे की तरफ से आया और इसने एकदम मेरे आगे से कट मारा। तो इससे डिसबैलेंस हुई गाड़ी और ये सीधा जाके गाड़ी घुमा दी इसने पूरी, और गाड़ी घूम के मेरी गाड़ी पे लग के और फिर पोल पे उछल के लगी है गाड़ी इसकी। आप लोग गाड़ी अकेला ही था ये कितने देर? और उन दोनों में से इनमें से एक भाग भी गया था वहाँ से। हाँ जी, तो यहाँ सर पे स्टेचेस वगैरह के लिए बोला, डॉक्टर ने भी पर्चा में लिखा सिटी स्कैन के लिए बोला, और ये तो बहुत ज़्यादा नशे में है, वहाँ बियर की बोतलें भी गिर रखी थी गाड़ी से और अभी भी नशे में है। तो मैंने अभी डॉक्टर साहब को और यहाँ इंचार्ज साहब को मेडिकल के लिए अपील की है कि इनका मेडिकल कराया जाए, क्योंकि हमें बहुत नुकसान वैसे भी होगा, वैसे भी इसने बेफालतू में नुकसान किया सुबह सवेरे। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।